झुंझुनू में राज्य भारत स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय मिनी जम्बूरी की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा, विधायक राजेंद्र भांबू सहित स्काउट गाइड के अधिकारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। 2 दिसंबर तक चलने वाली मिनी जम्बूरी में 140 स्कूलों के 1500 से भी अधिक स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। मिनी जम्बूरी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे जिले में सबसे बेहतर प्रोग्राम स्काउट और गाइड का प्रारंभ होगा। हमारे राजस्थान में स्काउट और गाइड की जो स्थिति है, पूरे भारत में सर्वाधिक संख्या में स्काउट गाइड हैं और ये जम्बूरी से आप जो देखेंगे तो एक पूरा सेवा भावी संगठन का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे जिले के 150 1500 स्काउट गाइड, स्काउटर गाइड और अन्य जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो पधारे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्काउट गाइड कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, गेट बनाए जा रहे हैं, शिविर कला की जा रही है, कैंप चार्ज किया जा रहा है या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें जो फर्स्ट विनर होगा उसको डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर सीट दी जाएगी, जिसके तहत झुंझुनू में जितने भी स्कूल हैं उनमें सब स्काउट गाइड के जो कैंप चल रहे हैं, जहाँ संचालन विधि चल रही है, वहाँ से बच्चे आए हैं ग्रुप वाइज और यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अंदर डांस प्रतियोगिता है और मानना प्रतियोगिता है, प्रदर्शनी है, लोक नृत्य है, लोक गायन है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी और ब्लॉक स्तर पे ये बच्चे आए हैं प्रत्येक ब्लॉक से। 75वीं जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 स्काउट गाइड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कैंप में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कई प्रकार के आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाएगी। झुंझुनू जिले में मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। इसमें 1500 स्काउट गाइड भाग लेंगे और यहाँ पे बच्चों को अलग अलग गतिविधियाँ सिखाई जाएंगी। उनके सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ उनको सिखाया जाता है।